अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रब साइकिल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्रब साइकिल से पहले हमने पढ़ा था पाइरोवेट की ऑक्सीडेशन। पाइरोवेट की ऑक्सीडेशन से हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज को तोड़कर दो पाइरोवेट बनाए थे, दोनों पाइरोवेट को चेंज करके एसिटाइल को एंजाइम बनाया था। अब वो जो एसिटाइल को एंजाइम है वो जो आके इंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर और उससे हमने स्टार्ट करना जिसका नाम है क्रब साइकिल है। क्रब साइकिल के और भी नाम है, इसको हम एक और भी नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड सिट्रेट साइकिल। सिट्रेट साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला जो कंपाउंड बनेगा ना वो सिट्रिक एसिड होगा, उसके नाम से क्या लिख दिया, सिट्रेट साइकिल लग दिया। इसका दूसरा नाम है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हम इसको ये भी कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये भी इसका नाम है। बेसिकली जो क्रब साइकिल है ये जो साइट है जहां पे चलने वाला है, इसकी साइट, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। जिस जगह पे चलता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी एनर्जी कितनी जगह बनती है, कहां बनती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगे, एमसीक्यूज के लिहाज से बताऊंगे, एमडी कैट में जो जो बनता होगा आज सारी क्यूरीज क्लियर करूंगा। इसमें आपने कभी भी डाउटफुल नहीं होना कि पेपर में ये आ गया तो ये लगाते तो भाई ये तो गलत हो गया, ये हो गया, ये तो गलत हो गया, भाई ऐसा नहीं होने वाला। तसल्ली से आराम से सुनिएगा जो जो एक एक पॉइंट में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जो चलने वाला उसका नाम क्रब साइकिल। अब क्रब साइकिल जोन्स है इसको जो स्टार्ट करता है वो है दो चीजें, इसके जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो कि स्टार्ट करेंगे, एक है एसिटाइल कोएंजाइम जो कि हम बना चुके हैं पहले ही, जो कि हम बना चुके हैं ऑक्सीडेशन पाइरोवेट में, और दूसरा नाम है ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट ये दूसरा रिएक्टेंट है। जो एसिटाइल कोएंजाइम है याद रखिएगा ये दो कार्बन वाला कंपाउंड है और ये चार कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक हो गया, दो और चार कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। अब क्रब साइकिल को ड्रा करने का एक फार्मूला है और इसका फार्मूला Ci9 सम स्पेशल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, ये एक पूरा फार्मूला जो आपने याद रखना माइंड के अंदर, Ci9 सम स्पेशल फार्मूला मॉकिंग। तो फार्मूला आपने सुन लिया, मैं इसको बना रहा हूं कैसे बनाते हैं। C से बनता है सिट्रेट, ये आ गया सिट्रेट, और जो सिट्रेट है छह कार्बन वाला कंपाउंड है। I से बनता है आइसोसिट्रेट, और जो आइसोसिट्रेट है याद रखिएगा ये भी सिक्स कार्बन वाला कंपाउंड है। K से बनता है अल्फा कीटोग्लुट्रेट, अल्फा कीटोग्लुट्रेट बनता है, याद रखिएगा ये पांच कार्बन वाला कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लुट्रेट से ऐसे बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, याद रखिए चार कार्बन वाला कंपाउंड है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से बनता है सक्सिनेट, और जो सक्सिनेट है ये भी चार कार्बन वाला कंपाउंड है। सक्सिनेट से एफ जो आगे आ गया इससे बनता है फ्यूमारेट, और याद रखिए फ्यूमारेट जोन सा है ये चार कार्बन वाला कंपाउंड है। एम से बनता है मालेट, एम से बनता है मालेट, और जो मालेट है, मालेट जो कि आपको नजर आ रहा है मालेट, ये भी आपके पास चार कार्बन वाला कंपाउंड है। और इसके बाद जो बनेगा उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटेट, ओ से बनता है ऑक्सैलो एसिटेट, और जो ऑक्सैलो एसिटेट है ये भी याद रखिएगा चार कार्बन वाला कंपाउंड है। और ऑक्सैलो एसिटेट से अगेन क्या ये ऐसे चलता जाएगा ये साइकिल जिसका नाम है क्रब साइकिल। अब यहां पे याद रखना कि हमने पीछे वाले टॉपिक में ऑक्सीडेशन और पाइरोवेट के अंदर ना हमने जिसको बनाया था उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम जो यहां पर दाखिल होता है, उसका फॉर्मूला था CH3C(OH), यहां पे आता है SCOA एसिटाइल कोएंजाइम। और ये जोन सा है ये दो कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, एक ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ एक वॉटर का मॉलिक्यूल आएगा, ये दोनों और ये मिलकर बना देते हैं सिट्रेट को। अब सिट्रेट की दूसरी फॉर्म है सेम टू सेम आइसोसिट्रेट, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन
आइसोमराइजेशन केमिस्ट्री के टर्म में आपको याद भी होना चाहिए, आइसोमराइजेशन के प्रोसेस के जरिए सिट्रेट किसमें चेंज होता है, आइसोसिट्रेट के अंदर। अब यहां पर आइसोसिट्रेट बनता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, आपको पता है 6 कार्बन या 5 कार्बन, तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए 6 से 5 कार्बन मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है और इस प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोक्सीलेशन। जब डीकार्बोक्सीलेशन होती है तो वहां पर हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ और हाइड्रोजन मिल गया है NAD+ को और जिससे बन जाता है NADH2, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले एनर्जी बनी आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट के दरमियान में, उसका नाम है NADH2, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने से और हाइड्रोजन रिमूव होने से आइसोसिट्रेट किसमें चेंज हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर हो गया। अल्फा कीटो ग्लूटरेट आपको पता है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पास 5 कार्बन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम के पास 4 कार्बन है, 5 से 4 के चेंज करना, 5 को 4 से चेंज करना, तो सबसे पहले आपको पता है क्या रिमूव कराऊंगा यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ साथ में हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ और वो हाइड्रोजन किसको मिल गया, एनएडी को, तो क्या बन गया NADH2, ये दूसरी एनर्जी बन गई। तो NADH2 दो जगह बन चुकी है, आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट के दरमियान, जो आपने याद रखनी है, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट के साथ साथ सक्सिनाइल कोएंजाइम के दरमियान भी क्या बन चुकी है, एक एनर्जी बन चुकी है, NADH2 है। अब ये कोएंजाइम का मतलब क्या है, कोएंजाइम का यहां मतलब क्या है सुनिएगा जरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यहां पर ये दाखिल हुआ था ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिला था एसिटाइल कोएंजाइम और वाटर, तो क्या बन गया था सिट्रेट। जब इसके साथ रिएक्शन के बाद, एसिटाइल कोएंजाइम के रिएक्शन के बाद जब वो रिएक्ट कर जाता है, यहां से दोबारा रिमूव हो जाता है, कोएंजाइम निकल जाता है, और जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम को बनाने के लिए अगेन यहां पे दाखिल होता है जिसका नाम है कोएंजाइम, यहां पे अगेन दाखिल होता है। तो यहां पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, यहां से रिमूव कहां से हुआ एसिटाइल कोएंजाइम, कहां से रिमूव हुआ कोएंजाइम, एसिटाइल को रिएक्शन करवाने के बाद रिमूव हो गया इन दोनों के दरमियान, फिर दोबारा कब एंटर हुआ अल्फा कीटो ग्लूटरेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम के दोनों के दरमियान, अगेन वो दाखिल हुआ और क्या बना देता है सक्सिनाइल कोएंजाइम बना देता है, और अगेन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने रिमूव कर दिया है। जब ये बन जाता है तो बेटा सक्सिनेट को कन्वर्ट होने के लिए, सक्सिनेट को कन्वर्ट करने के लिए अगेन यहां से रिमूव हो जाता है ये कोएंजाइम, निकल जाता है जी। तो ये जो कोएंजाइम निकला है, कोएंजाइम इसकी इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वहां पे वो एनर्जी मिल जाती है GDP को, जो कि यूटिलाइज करके फॉस्फेट को अटैच कर लेते हैं अपने साथ और एनर्जी बन जाती है GTP। तो ये जो एनर्जी फॉर्मेशन हो जाती है इसके निकलने की वजह से, इसके जब निकल तो इतनी एनर्जी खारिज होती है कि वो एनर्जी इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाकर कौन सी एनर्जी बना देती है GTP को। अब ये जो GTP है ये रिएक्ट करती है ADP के साथ, और ADP के साथ रिएक्ट करने से ये बना देती है ATP को इनडायरेक्टली, और ये अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है ADP के अंदर। तो इनडायरेक्टली यहां पर GTP के जरिए से कौन सी एनर्जी बन जाती है ATP। GTP एक एनर्जी है ग्वानोसिन ट्राइफोस्फेट, जो इज इक्वल टू 1 ATP होती है। तो इनडायरेक्टली यहां पे फॉर्मेशन हो चुकी है किस एनर्जी की, ATP की, और कितनी बनी है 1 ATP बन चुकी है। तो जब ये निकला तो निकलने से सक्सिनाइल कोएंजाइम किसमें चेंज हो गया, सक्सिनेट के अंदर हो गया। तो सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है, ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को खारिज करता है और हाइड्रोजन वो दे देते हैं FAD को, और जिससे बन जाती है एनर्जी FADH2 एनर्जी बन जाती है। ये भी एनर्जी फॉर्मेशन हो गई फ्यूमारेट और सक्सिनेट के दरमियान में, जो कि आपको नजर आ रही है FADH2। अब फ्यूमारेट से मालिएट कैसे बनता है, फ्यूमारेट के अंदर दाखिल करवाया जाता है वाटर के मॉलिक्यूल को H2O को दाखिल करवाया जाता है, और फ्यूमारेट से क्या बन जाता है, मालिएट बन जाता है।
मालेट से ऑक्सैलो एसिटेट कैसे बनता है, ये इसकी अगेन ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन कैसे होती है, अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन दे देते हैं एनएडी को और बन जाते हैं एनएडीएच की टू बन जाता है और जिससे ये एनर्जी फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किताब में ये पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे बना हुआ है, मगर आपने एक चीज को याद रखना है, एमसीक्यूज बच्चा हमेशा गलत करता है कि टोटल नंबर ऑफ वाटर कितने यूटिलाइज होते हैं क्रब साइकिल के अंदर, ये याद रखना, एक दो, ये दो तो बना दिए हैं मगर किताब में एक मेंशन नहीं है, और वो कौन सा वाला है जो कि आपने याद रखना होता है, वो ये है कि सक्सीनाइल को एंजाइम और सक्सीनेट ये उस वक्त कन्वर्ट होता है जब इससे को एंजाइम बाहर दाखिल होता है और इसके अंदर एक वाटर आता है, ठीक हो गया, ये बुक में नहीं है, तो आपने याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किताब के ग्राफ के अंदर नहीं है, मगर आपके माइंड में होना चाहिए, एमसीक्यू गलत कर देते हैं, टोटल 3 वाटर के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं क्रब साइकिल के अंदर। अब मैं इसको समराइज करता हूं और एमसीक्यूज निकाल के बताता हूं कि आपको एमसीक्यूज कैसे बनेंगे और आपने कैसे याद रखने हैं। देखो भाई, इनपुट ऑफ क्रब साइकिल क्या क्या मैंने दाखिल करवाया, देखो, दो एसिटाइल ग्रुप्स मैंने दाखिल करवाए, याद रखना है सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट और 2 पाइरूवेट से 2 एसिटाइल ग्रुप्स बनते हैं, तो 2 दफा क्रब साइकिल चलता है, ठीक है, 2 एसिटाइल ग्रुप्स आए, 2 मैंने यहां पे एडीपी, देखो ना ये एडीपी और फॉस्फेट, ठीक है, एक साइकिल होगा तो एक, दूसरा साइकिल होगा 2, तो 2 एडीपी प्लस फॉस्फेट इंटर हुए, ठीक है, इनपुट हुए, 1, 2 और 3, 3 एनएडी एक साइकिल में, तो 2 दफा चलेगा क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम चलाएंगे ना, 2 दफा चलाएगा क्रब साइकिल, तो 2 एनएडी प्लस दाखिल हुए, और इसी तरह आगे एफएडी, एक दफा एसिटाइल कोएंजाइम चलाएगा, एक दफा क्रब साइकिल में एक दफा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2 दफा चलता है क्रब साइकिल, तो कितने दफा होगा, 2 एफएडी हमारे इनपुट है, तो याद रखना है इनपुट की तादाद क्रब साइकिल के अंदर 2 एसिटाइल ग्रुप्स की होगी, 2 एडीपी की होगी, 2 एनएडी की होगी और 2 एफए की होगी, ठीक है, आउटपुट क्या होगी हमारी, आउटपुट ऑफ क्रब साइकिल याद रखना, 2 2 के लिहाज से हम देख रहे हैं, 2 2 के लिहाज से देख रहे हैं, तो क्रब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिमूव हुई है, 1 और 2, तो क्रब साइकिल 2 दफा चलेगा, तो आपने 2 को टिक लगा दोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, तो आपने कह देना 4, ठीक है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ठीक है, 2 1 एटीपी है तो 2 दफा चलेगा, कितनी एटीपी बनती है, 2 एटीपी बनेगी, ठीक है, और आपको पता है एनएडीएच 1 2 3 एक क्रब साइकिल में 3 बनती है और 2 में कितनी बनेगी, 6 एनएडीएच की 2 बनती है, और आपको पता है एफएडीएच की 2 कितनी दफा बनी है, एक क्रब साइकिल होगा तो 1 दफा, 2 दफा होगा तो कितने दफा, 2 एफएडीएच की 2 बनती है। अब यहां पे आपने ये याद रखना, आउटपुट हमारा ये, इनपुट ये है, ठीक है, मगर ये याद रखना है ये क्रब साइकिल 2 दफा चलता है एक ग्लूकोज की वजह से, तो 2 दफा क्रब साइकिल की वजह से ये सारी सारी हमारी आउटपुट है और ये हमारी इनपुट है। अगर वो कहते हैं 1 क्रब साइकिल क्लास है, 1 क्रब साइकिल क्लास है, वैसे ये एमसीक्यू ऐसे आया नहीं है, ऐसे आता नहीं है, वो ऐसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, टोटल नंबर ऑफ एटीपी रिमूव, टोटल नंबर ऑफ एनएटीपी फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ एनएडीएच की 2 फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ एफएडीएच की 2 फॉर्मेशन, तो आपने ये लगाना है, ठीक है, 1 1 ना कह देना है, क्योंकि आपको पता है एक ग्लूकोज को तोड़ने के बाद 2 दफा पाइरूवेट की ऑक्सीडेशन होती है और 2 दफा क्रब साइकिल चलता है, और 2 दफा क्यों चलता है वो आपको मैं फिर बता चुका हूं, फिर अगेन मैं जोर लगा रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं कि एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट बनते हैं और 2 पाइरूवेट से 2 एसिटाइल ग्रुप बनते हैं, और 2 एसिटाइल ग्रुप 1 दफा 1 चलाता है और 2 दफा 2 चलाता है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर वो पूछते हैं तो आपने दोनों के लिहाज से बताने होते हैं, एक के लिहाज से नहीं बताने होते,
और सबसे बड़ा बात कि टोटल नंबर ऑफ वाटर यूटिलाइज कितने होते हैं, तो आपने क्या देना है, थ्री। थ्री वाटर के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, कितने के लास है, एक रब साइकिल के लास है, ठीक है, एक रब साइकिल के लास है, तीन है, एक दो और तीन, दो ना कह देना बेटा, यहां पे किताब में ये मेंशन नहीं है, तीन होते हैं। अगर दो के रब साइकिल के लास है तो कितने हो गए, सिक्स इस्तेमाल होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये है करप साइकिल। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। तो कोई भी पॉइंट, कोई भी जहां जहां मैंने बताया वहां वहां आपने बताना है, और कोई भी पॉइंट्स अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कोई भी क्यूरीज आपकी हो वो मुझे से डिस्कस कर लीजिएगा।